हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट बेट्स पिलानी। देखो यार, हमारा जेई मेंस का जो है थर्ड अटेम्प्ट हो चुका है, लेकिन इसमें क्या है यार, अब हमको थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की जरूरत है फोर्थ अटेम्प्ट में जाने से पहले। तो हुआ क्या है ना यार, एनटीए ने काफी ज्यादा ब्लंडर्स करे हैं पेपर सेट करने में। ने किया क्या है कि काफी सारी शिफ्ट के अंदर पेपर कराया है, तो पेपर लेवल को काफी ज्यादा वेरी करने के चक्कर में उन्होंने काफी सारी गलतियां कर दी है। वो गलतियां क्या है कि यार, कुछ कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनसे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही अनटच्ड है। जैसे हम बात करें 25 जुलाई शिफ्ट टू की, ठीक है, तो 9 क्वेश्चन से 2 चैप्टर से आए थे, बाइनोमियल थ्योरम और वेक्टर्स, ठीक है। और अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम छोड़ दिया तो आप उस पेपर में 24 मार्क्स लूज कर देंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से थे और 3 क्वेश्चन वेक्टर एलजेब्रा से थे। 9 क्वेश्चन 25 जुलाई शिफ्ट 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन 3 चैप्टर से आगे, मतलब 36 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को ये 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं तो इन हैंड 36 मार्क्स तो उसके ऐसे ही आगे, मतलब उस पेपर में 60 प्लस स्कोर करने के लिए सिर्फ आपको 2 चैप्टर आने चाहिए थे। उसके अलावा थोड़े बहुत चैप्टर्स जो जेईई मेंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह, मैथमेटिकल रीजनिंग, उससे आसानी से 60 प्लस स्कोर हो जाता 5 से 6 चैप्टर अगर बच्चा करके जाता। तो ये ब्लंडर्स हुए हैं यार ड्यू टू दी वेरिंग पेपर सेटिंग। क्यों पेपर की सेटिंग करते टाइम उन्होंने क्या किया है, वेरी करें क्वेश्चंस को, लेवल को वेरी करने के चक्कर में ये उनसे मिस्टेक हुई है। और कुछ कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के अंदर ऐसे हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, जिनसे एक्सपेक्टेड होता है कि हर पेपर में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट्स के अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 7 शिफ्ट के अंदर आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चंस आए हैं, इसका मतलब 2 से 3 पेपर ऐसे हैं जिनमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। अब इस केस में ये सिचुएशन बन चुकी है कि यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आपको सारे चैप्टर्स अब कवर करने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर आपको अब कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि एनटीए क्या कर रहा है, किसी चैप्टर से तो बहुत सारा दे दे रहा है और किसी चैप्टर से कुछ नहीं दे रहा है। तो हमें ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर से बहुत सारा आएगा और कौन से चैप्टर से थोड़ा सा ही आने वाला है, ठीक है। तो आपको सारे चैप्टर्स अब करके जाने हैं, ठीक है। यही मेरे को आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे और पढ़ते रहे। हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है फोर्थ अटेम्प्ट से पहले, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।